दोस्तों, क्या आपको अभी भी लगता है मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर इंसान है? तो फिर अब गलत हो। गौतम अदानी, जो कि केवल इंडिया के नहीं पूरे एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरी सबसे अमीर इंसान है, आज जानेंगे कैसे उन्होंने ये मुश्किल रास्ता तय किया, वो भी इतना कम समय में। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। पिताजी का छोटा सा काम था, लेकिन कुछ खास नहीं चल रहा था। आर्थिक संकट देखने को मिला, उसी चलते उन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ा। कम उम्र में आंखों में बड़े सपने लेके मुंबई आ गए, जहाँ पे शुरुआत पे उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें एक डायमंड सप्लाई के वहाँ काम मिल गया। 3 साल काम करते करते थक गए और एक दिन सोचा खुद का कुछ करना पड़ेगा, तो फिर नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बाद खुद का डायमंड सप्लाई कंपनी खोल लिया। धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करता गया। गौतम अदानी जी को पता था कि क्यों वो सब कुछ कर रहा है। कम उम्र होने के वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत किया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे अब खुद को लगा दिया। आज जो आप घर बैठ के खाना खा रहे हो, उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है अदानी जी का, क्योंकि अदानी ग्रोसरी में भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया। फॉर्चून ऑयल, आटा, चावल, दाल, सब कुछ अदानी के अंदर पड़ती है। आज अदानी ग्रुप पूरी दुनिया में फैला हुआ है, क्योंकि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। लगता है ये लाइन गौतम अदानी जी के लिए ही बनाया गया है। गौतम अदानी जी का जो सफर रहा सुनने से हजार हजार करोड़ की बिजनेस, ये हमेशा हम सभी को इंस्पायर करेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए।